ये भारत बाबा साहब मेहमानों का भारत है, उनके द्वारा रचित संविधान का भारत है। ये भारत मनुस्मृति वालों का भारत है। साथियों, ये भारत कभी इंसान का भारत है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाया, जाओ में मुल्ला रामदेव क्या कहना हुआ खुदा, पान पूजे हर मंदिर, तो मैं पूछू पहाड़ जाते तो चांदी बनी बीच खाए संसार। साथियों, पोती पर पड़ो जब हुआ पंडित हुआ मखोल, भाई अक्षर प्रेम के बड़े पंडित को, ये भारत धार्मिक उन्माद फैलाने वालों का भारत नहीं है। ये भारत हमारे बाप गांधी जी का भारत है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये भारत चाहे हम कितनी ही कुर्बानियां देनी पड़े, मैं बात लंबी नहीं करना चाहता था।
हमको संगठित होना पड़ेगा, बाबा साहब के आदर्शों पर चलना पड़ेगा, हमको लोहिया जी के आदर्शों पर चलना पड़ेगा, जिन्होंने कहा था कि मानेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, मानेंगे। तो और तुम्हें एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं मेरे साथियों, कि हमारे बहुजन समाज के जितने भी संगठन समन्वय की स्थिति में आए, एक दूसरे का सहयोग करें और इज्जत करते हुए भगवान देश हमारा है, काम हमारा है, हम राज करेंगे देश। और अपनी बात को समाप्त करते हुए याद रखो, कमजोर मित्र का कोई मित्र नहीं होता, याद रखो कमजोर मित्र का कोई मित्र नहीं होता है। और चूहे तक मनमानी करते जब बड़ा केसरी सोता, उठो जागो, उठो संघर्ष करो, संघर्ष करो और कहो भी गर्व से भी बच रहो, ये भारतवर्ष हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। और करते हुए आज के समारोह में हमारे आदमी जैसा साहब का आदर करते हुए तो मैं भी उनसे सीखा, मैं उनसे प्रेरणा लगे और मैं इस अभियान को आगे बढ़ाऊ पढ़ाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। और आपके कंधे से कंधे मिला करके जो पैगाम हमें समझा दिया, हमें जो प्रेरणा दी है, उसके साथ हम कंधे से कंधे मिला करके इस महीने को आगे बढ़ाएंगे और इस देश को भाईचारे के इस पर ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम।